डॉक्टर खुराना अंकल, आप हमें यहाँ कौन सा इन्वेंशन दिखाने लाए हैं? दो वर्ड्स में इसे कहते हैं यो यो। अरे वाह अंकल, आपने हमारे खेलने के लिए यो यो बनाया, थैंक यू। अरे नहीं टोनी, ये बच्चों के लिए नहीं है। क्या बात है सर, हमेशा आप लोगों से टकरा के उनका विकेट गिरा देते हैं, पर आज तो टोनी ने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया। इसे नोटपैड में नोट कर लेता हूँ। टोनी बेटा, ये कोई खिलौना नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। छोटे से चूहे का नाम पिद्दू है, हमारे टोनी बॉस का नाम बुद्धू है। टोनी का मुक्का, हुड़ हुड़ हुक्का। गेम ऑन, अब पीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। पर अंकल, ये छोटा सा योयो पावरफुल कैसे हो सकता है? अभी दिखाता हूँ किको, जरा साइड हटो। उरी मोरी मदर, कितना बड़ा होल हो गया है वहाँ पर, कुछ खा लेता हूँ। देखा, मेरे इस योयो से टकराते ही किसी भी चीज के परकच्चे उड़ जाएंगे। पर डॉक्टर खुराना अंकल, आपके इस योयो को एक वर्ड में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। हाँ हाँ, डिस्ट्रक्टिव से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। इसी बात पे कुछ खा के अपनी भूख को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये डिवाइस डिस्ट्रक्टिव जरूर है, मगर हम इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव तरीके से करेंगे। देखो, इस योयो के थ्रू हम बहुत दूर सेफली खड़े होके पहाड़ों के अंदर बड़े आराम से टनल्स बना सकते हैं। ईश, क्या बढ़िया चीज बनाई है आपने डॉक्टर खुराना। इससे तो हम बड़ी आसानी से उन सुरंगों में रूट्स और रेलवे ट्रैक्स बना सकते हैं। वाह, अयो, ये योयो आई तो फैंटास्टिक इन्वेंशन जी, मगर ये कई गलत हाथों में पड़ गया तो कई कोई इसका मदद से पूरी दुनिया में सुरंग ना बना दे। टेम्पो अन्ना सही कह रहे हैं, ये योयो गलत हाथों में जाने के बाद पावरफुल डिवाइस से एक पावरफुल वेपन बन सकता है। इसीलिए मैं कल इस योयो को अपने हाई सिक्योरिटी लैब, जो कि सन सिटी से काफी दूर है, वहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ। बस केवल आज के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। और तू ही मक्खी ने मकड़ी के जाले में फंसे कॉकरोच को पटक के मारा। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि कल तक के लिए वो इस योयो को सन सिटी के सेफ पुलिस कस्टडी में रखवा के खुद इसकी रखवाली करेंगे। ईश, सही कहा, चलो मैं चल के वहाँ रखवा देता हूँ। सबसे सेफ लॉकर है, यहाँ इतने ऊपर तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि लिफ्ट और स्टेयरकेस को हम बंद कर रखते हैं। ठीक है मेयर, तो कल तक के लिए मैं योयो को इसके अंदर रख देता हूँ। सब लोग मुंह खोल के ऊपर क्या देखता जी, आसमान से लड्डू पेड़ा गिरने वाला है के जी? लड्डू पेड़ा तो पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो वो आदमी अपनी साइकिल के साथ नीचे जरूर गिरेगा। ईश मम्मी, ये आदमी उतनी ऊपर कर क्या रहा है? Mm-hmm.
कर रहे हैं उसे एक वर्ड में कहते हैं स्टंट, और यहाँ जो हो रही है उसे दो वर्ड में कहते हैं फिल्म शूटिंग। अयो, पर कैमरा किधर जी? पर एक बात समझ में नहीं आ रही, शूटिंग में कैमरामैन तो है पर डायरेक्टर कहाँ है? आई एम जैक, डायरेक्टर और कैमरामैन का कॉम्बो पैक, यानी इस फिल्म का डायरेक्टर और कैमरामैन दोनों मैं ही हूँ। ओके, साउंड, कैमरा एंड एक्शन। पूरी मोरी मदर, मुझे तो टेंशन हो रही है ये देखकर। कुछ खा लेता हूँ, शायद टेंशन कम हो जाए। उन्होंने ग्लास तोड़ के बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एंटर कर लिया है। ईश, वो पावरफुल योयो उसी टावर के टॉप फ्लोर पे रखा है हमने। ईश, मम्मी, प्लीज योयो को बचाना। रोप मैन की रस्सी बना दे अच्छे अच्छों की लस्सी। R7 की डेंजर लाइट भी ब्लिंक कर रही है, यानी कोई खतरा है। मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। नीचे गिर रहे हैं, जल्दी फॉर्मूला नंबर 55 लगाओ। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 55। योयो को चोरी करके आप रॉन्ग कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। रोप मैन की रस्सी बना दे अच्छे अच्छों की लस्सी। पूरा सिस्टम हिल गया है किको, फ्लाइंग मोड काम नहीं कर रहा है। एक काम करो सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 75 लगाओ। ऑलराइट किको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 75। वो रहा योयो, जल्दी नीचे चलो। रोप मैन की लस्सी बना दे अच्छे अच्छों की लस्सी। जल्दी चलो सुपर स्पीडो, हमें योयो रोप मैन के हाथ लगने से रोकना होगा। लगता है मुझे फिल्म शूटिंग का नाटक छोड़कर बॉस की मदद करनी पड़ेगी। अब जैक करेगा सुपर स्पीडो के पत्ते बैंड। रस्सी ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है और अब पूरी ताकत के साथ मुझे नीचे खींच रही है। सुपर स्पीडो जल्दी, फॉर्मूला नंबर 77। कुछ सोचो किको, वरना थोड़ी देर में ये जैक हमारे साथ साथ पूरे सनसिटी को चकनाचूर कर देगा। इन रोप से निकलने का एक ही रास्ता है, फॉर्मूला नंबर 25। ग्रेट आइडिया किको, फॉर्मूला 25 लगा के अभी अपना साइज छोटा कर लेता हूँ।
जैक से चालाकी, अभी मजा चखाता हूँ। तो हो गया काम तमाम। चलो अब बॉस को भागने में मदद करता हूँ। सुपर स्पीडो, जल्दी फॉर्मूला नंबर 66। दो मिनट दोकी को, मैं अभी खुद को ऑटो रिपेयर कर लूंगा। असली ताकत तो दिखाओ, रोप मैन की लस्सी बना दे अच्छे अच्छों की लस्सी। यस बॉस। इन्होंने तो दोनों टावर्स ही गिरा दिए। शुक्र है कि टावर्स में कंस्ट्रक्शन होने की वजह से कोई नहीं था, वरना लोगों को काफी चोट लग सकती थी। बहुत सुना था इस यो-यो के बारे में, जरा देखे तो सही कि इसमें है कितनी ताकत। अरे वाह बॉस, ये तो बड़ा धमाकेदार यो-यो है। इस बार ना मेरे बर्थडे पर हम क्रैकर्स नहीं बल्कि इस यो-यो से बॉम्ब फोड़ेंगे। दिखाओ ना मुझे भी। अरे गधे, इससे कहीं तू हमारा ये अड्डा ही ना उड़ा दे। अगली बार जब तुमने यो-यो को छुआ भी तो याद रहे इसे तुम्हारे बर्थडे पे नहीं बल्कि तुम्हारे सर पे फोड़ूंगा। सॉरी बॉस, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। अब हम लोग इस यो-यो से पूरी दुनिया में लोगों को डरा धमका के उनसे पैसे वसूलेंगे और अमीर बन जाएंगे। रोप मैन की रस्सी बना दे अच्छे अच्छों की लस्सी। वहाँ से आई है आवाज, यानी वही हुआ है धमाका। हो ना हो चोरिनी पहाड़ियों से निकल के है भागा। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। किको, वो यो-यो गलत हाथों में पड़ के बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। तुम्हें किसी भी हालत में उस यो-यो को वापस लाना ही होगा। वो तो हम ले आएंगे डॉक्टर खुराना, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप ऐसी डेंजरस चीजें बनाते ही क्यों हैं? सुपर स्पीडो, डॉक्टर खुराना ने वो यो-यो अच्छे काम के लिए बनाया था, मगर गलती से वो गलत हाथों में चला गया है। गलती से बहुत बड़ी वाली गलती, हाथी से भी ज्यादा बड़ी गलती, यहाँ तक कि मेरी भूख से भी बड़ी। इसी बात पर कुछ खा लेता हूँ। ईश, काश आज ट्यूसडे ना होता तो मैं उस रोप मैन को उसके ही रोप में लपेट के ऐसा मारता कि अगली बार से वो रोप नहीं बल्कि खिलौने वाली तोप लेके घूमता। सच्ची में अंकल? और नहीं तो क्या, जो मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर रस्सी का बड़ा बंडल गिर जाए। मतलब पक्का झूठ ही बोला था, पर काश रस्सी के बदले लस्सी कहा होता तो मेरे पेट का भी भला हो जाता। कुछ खा लेता हूँ। बस एक बार उस रोपमैन के अड्डे का पता चल जाए। पहाड़ों में हुई सुरसुरी ने कानों के पर्दों में तुरतुरी मचा दी। मतलब? सर का मतलब है कि सन सिटी के बाहर जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ बॉम्ब के जबरदस्त धमाके हुए हैं। धमाके? मुझे तो लगा वो अभी भी पहाड़ियों में ही छुपा होगा। मगर कीको, सन सिटी के बाहर तो माउंटेन्स की एक बहुत बड़ी रेंज है, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? बड़ी, तुम फॉर्मूला नंबर 123 लगा के कुछ देर पहले की सैटेलाइट इमेजेस को स्कैन करो और देखो ब्लास्ट किस माउंटेन के पास हुआ है। ग्रेट आइडिया किको, मैं अभी फॉर्मूला 123 एक्टिवेट करके
खुद को सैटेलाइट से कनेक्ट करता हूँ। तो हुए है दब दबा कर, कुछ खा लेता हूँ। इन ब्लास्ट वाले माउंटेन्स की लोकेशन मार्क कर लो, रोपमैन का अड्डा जरूर इसी के आसपास होगा। रोपमैन का अड्डा यही कहीं होगा। वो देखो वहाँ एक गुफा है। जैक की गाड़ी यही खड़ी है, इसका मतलब हम यही हैं। वेलकम किको और सुपर स्पीडो। रोपमैन की लस्सी बना दे अच्छे अच्छों की लस्सी। यो-यो के धमाके से मेरे काफी पार्ट्स डैमेज हो गए हैं। किको तुम जाके रोपमैन को रोको, तब तक मैं खुद को ऑटो रिपेयर करता हूँ। ओके बड़ी, पर संभल के। संभलने की जरूरत उसे नहीं बल्कि तुम्हें है किको, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना रोपमैन से हुआ है। मैं इस जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ किको, जल्दी से कोई फॉर्मूला लगाओ। बड़े फॉर्मूला लगा दिए तुम दोनों ने, पर रोपमैन के सामने वही फॉर्मूला चलता है जो कि रोपमैन खुद चाहे। रोपमैन की लस्सी बना दे अच्छे अच्छों की लस्सी। बिना फॉर्मूला बोले सुपर स्पीडो को बचाना मुश्किल है, लेकिन बिना मुंह खोले मैं फॉर्मूला नहीं बोल सकता। कोई और ट्रिक लगानी पड़ेगी। आइडिया, सुपर स्पीडो फॉर्मूला 125। ग्रेट आइडिया किको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 125। जैक, मेरा यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। बिछा दो रस्सियों का जाल और दिखा दो इन्हें अपनी गाड़ी का कमाल। रोपमैन की लस्सी बना दे अच्छे अच्छों की लस्सी। आप यो-यो लेके निकलो, तब तक मैं इन दोनों की बैंड बजाता हूँ। और ऐसी टक्कर मारूंगा कि सुपर स्पीडो के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चलो सुपर स्पीडो, रोपमैन को पकड़ने से पहले हमें जैक की गाड़ी को ठिकाने लगाना होगा। सही टाइम पे फॉर्मूला नंबर 777 लगाना। What an idea, bro! यही छोड़ दो बड़ी, झटपट अंकल इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अभी जल्दी से रोपमैन के पीछे चलो। लेकिन किको, रोपमैन रोप के ऊपर से भाग रहा है और इन चार टायर्स के साथ मैं रोप के ऊपर नहीं चल सकता। तो एक काम करो, फॉर्मूला 111 लगाओ। ऑलराइट किको। लगता है इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। रोपमैन की लस्सी बना दे अच्छे अच्छों की लस्सी। सुपर स्पीडो फॉर्मूला 37। किको, ऐसे तो रोपमैन हम पे अटैक करते रहेगा। हमें उसके हाथ से यो-यो अलग करना होगा। यो-यो स्ट्रॉन्ग है पर उसमें बंधी डोरी नहीं। एक काम करो, फॉर्मूला 234 लगाओ। वैसे भी क्रिकेट खेले बहुत दिन हो गए। तुमने मेरा यो-यो डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। Ah!
रस्सी पे बैठी मक्खी ने बासी दही की लस्सी बना दी। मतलब सर पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट।